दोस्तों आपने हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर स्टील के बने बैरियर्स तो देखे होंगे और NHA इनके डिजाइन में समय समय पर कई इनोवेशन करता रहता है। इस इनोवेशन के चलते NHA ने दुनिया के सबसे पहले 200 मीटर बैम्बो क्रैश बैरियर को इंस्टॉल किया है, जो न सिर्फ NHA के लिए बल्कि भारत के लिए इनोवेशन के फील्ड में एक बड़ी अचीवमेंट है। इस बैम्बो से बने क्रैश बैरियर को महाराष्ट्र के वानी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इन बैरियर्स को बनाने के लिए बैम्बो की बैम्बोसा बाल्कोआ स्पीशीज का इस्तेमाल किया गया है, जिसको क्रियोसोट ऑयल के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की कोटिंग की गई है। और अगर इनकी स्ट्रेंथ और रेटिंग की बात करें तो नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक यानी नेटट्रैक्स जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कड़ी टेस्टिंग के बाद इन बैम्बो क्रैश बैरियर्स को बहुबली नाम दिया गया है। और CSIR के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसे फायर रेटिंग टेस्ट में क्लास 1 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इसे इंडियन रोड कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया है। और अगर हम बैम्बो क्रैश बैरियर्स को स्टील क्रैश बैरियर से कंपेयर करें तो ये काफी इफेक्टिव और सस्ते होंगे। और अगर रिसाइकलेबिलिटी की बात करें तो जहां स्टील क्रैश बैरियर्स को 30-50% ही रिसाइकल किया जाता है, यहां ये माना जाता है कि बैम्बो क्रैश बैरियर्स को 50-70% रिसाइकल किया जा सकेगा। बैम्बो क्रैश बैरियर न सिर्फ एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव होगा बल्कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और बैम्बो सेक्टर्स को प्रमोट करने में काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है।